बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल दुबई में तो एक अजीब ही वाकया हुआ। दुबई हुकूमत ने कल ट्वीट कर दिया कि हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई का मुकम्मल खोल दिया है, और जैसे ही 2 घंटे गुजरे तो वो ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, अब उन्होंने जो उनके जो प्रिंस हैं उन्होंने तो ऐलान किया हुआ है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को हम खोलने के लिए जा रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है 14 जून से जो है तमाम कारोबार खोल दिए जाएंगे, और 14 जून से 100% एम्प्लॉइज़ जो है अपने अपने कामों में जाना शुरू कर देंगे, अलाउ भी कर देंगे। पहले तो 30% था, फिर 70% था, अब 14 जून से 100% कर दिया जाएगा। फिर टूरिस्ट के लिए भी वो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये तो उनके जो प्रिंस है दुबई के जो वज़ीर आज़म हैं उनके बेटे प्रिंस हमाद हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट को हम जून में ही खोल देंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन कल अजीब सा वाकया हुआ ये। और दूसरी बात आपको ये भी बताता चलूँ, एमिरेट्स एयरलाइन जो है वो पाकिस्तान इंडिया के लिए और अरब के लिए इंटरनेशनल बुकिंग खोलने के लिए जा रही है। ये इंशाल्लाह कल या आज रात को या परसों आप देख लेना, एमिरेट्स एयरलाइन पाकिस्तान इंडिया और अरब के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बुकिंग आप कर सकेंगे, और आप उसमें आ भी सकेंगे, जा भी सकेंगे। और पाकिस्तान तमाम मुल्कों के लिए भी एयरपोर्ट खोलने के लिए जा रहा है। बरतानिया एक सहाफ़ी ने, बहुत बड़े सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान एयरपोर्ट खोलने जा रहा है, तो वो भी उन्होंने कल का कहा है। जब खोल दिए तो एमिरेट्स एयरलाइन आएगी भी और यहाँ से भी लोग जाएंगे वापस बाहर। इंशाल्लाह जून में आपको बहुत बहुत बड़ी और अच्छी खबरें मिलेंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।